Hello everyone, today's topic is still object composition and this is your July month second syllabus topic. So let's start. हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे, रफ स्केच, जिसमें हम थ्री ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, वन जग, मग एंड एप्पल. तो जग के लिए आप एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, मैंने इसे डबल करेंगे एंड टू कर्व लाइन इसे हम ज्वाइन कर देंगे. थोड़ा पॉइंटेड रखेंगे यहाँ से, कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड और इसे आप इसे स्ट्रेट लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे. अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे. एंड हैंडल के लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे कर्व ले जाते हुए आप यहाँ पे इसका एंड कर दो. ओके, देन कप के लिए इसको ओवरलैप करना है आपको, जग को, जग के ऊपर कप को ओवरलैप करेंगे ओवल एंड इसको डबल करेंगे एंड टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे. प्लेट के लिए ओवल शेप ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को आप डबल करेंगे एंड हैंडल ड्रॉ करेंगे. देन फ्रूट के लिए एप्पल ड्रॉ करना है हमें, देन एक टेबल अज्यूम करेंगे हम बैक साइड में राउंड शेप का, कि हमारी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वैसे टेबल पे रखे हुए हैं लाइक दिस. एंड साइड बैक साइड में हम फैब्रिक दिखाएंगे जो हाफ हैंग हो रहा है और बाकी सारा टेबल पे है. तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कुछ फोल्ड की लाइन, फैब्रिक के फोल्ड की लाइंस जो आएंगी हम रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, बाद में इसे हम शेडिंग से क्लियर करेंगे. हम शेड स्टार्ट करते हैं. शेड के लिए आपको लेफ्ट साइड से डार्क रखना है एंड राइट साइड से लाइट रखना है. तो हम पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाएंगे, वन साइड से डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे और थोड़े कर्व रहने चाहिए आपके स्ट्रोक्स भी, स्ट्रेट नहीं हो. देन दूसरी साइड से थोड़े लाइट स्ट्रोक्स, बहुत लाइट पेंसिल से आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं. अपर पार्ट के लिए भी आप एक साइड से डार्क करेंगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड से. ये जो मिड का पार्ट है इसको आप राइट साइड से डार्क करेंगे थोड़ा. इसको हम लाइन को फिनिशिंग देंगे अपनी, थोड़ा और डार्क करेंगे. जब आप अगेन स्ट्रोक्स लगाएंगे तो आपके पहले स्ट्रोक्स इसमें मिक्स हो जाएंगे. या हैंडल की थोड़ी शेडो आएगी तो उसके लिए आप ऐसे लाइट से स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, स्मॉल स्ट्रोक्स. देन अंदर का ये जो पार्ट है ये डार्क रहेगा आपका. एंड जो अपर पार्ट है वो थोड़ा ब्राइट रहेगा. थोड़ी लाइंस को डार्क करते हैं, क्लियर करते हैं अपनी लाइंस को.
मग को शेड करेंगे। मग में भी सेम आपको लेफ्ट साइड से डार्क रखना है एंड राइट साइड से लाइट रखना है अपने स्ट्रोक्स को। ये जो इनर पार्ट है इसमें आपका राइट साइड डार्क रहेगा। हम लाइट लाइट शेड करेंगे, लाइट स्ट्रोक्स लगाएंगे और इनको ऐसे मिक्स कर देंगे एंड अगेन डार्क। हैंडल आपका ऊपर से ब्राइट रहेगा, अंदर से हम थोड़ा सा डार्क शेड करेंगे। प्लेट में भी लाइट रहेगी, लाइट लाइट शेडिंग करनी है आपको। आउटर जो लेयर है ये ब्राइट रहेगी, मैं इसको ऐसे राउंड शेडिंग लेनी है नीचे इसकी शेडो, उसके लिए हम राउंड शेडो देंगे प्लेट के नीचे। सेम आपको जग के नीचे भी डार्क करना है शेडो के लिए। हमारा लाइट सोर्स अगर हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारा राइट साइड से आ रहा है, तो ये जो सामने फ्रंट में पार्ट पड़ेगा जितना ये ब्राइट रहेगा और लेफ्ट साइड का डार्क हो जाएगा। जहाँ लाइट पड़ेगी वहाँ पे शेड लाइट रहेगा। तो एप्पल में भी आपको सेम वही टेक्निक यूज़ करनी है, वन साइड लाइट एंड वन साइड डार्क। शैडो देंगे हम नीचे लाइट बिल्कुल। तो ये बैक साइड की जो ड्रेपरी है इसमें हम शैड पेंसिल स्ट्रोक्स देंगे, ऐसे स्लांटिंग स्ट्रोक्स लगाएंगे वन साइड से, टू साइड्स नहीं करना, ओनली वन साइड। स्मॉल स्ट्रोक्स लगाने हैं, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक्स नहीं लगाने हैं, इनको हम ऐसे मिक्स कर देंगे। ये आपके फोल्ड्स शो कर रहे हैं, जो फैब्रिक के फोल्ड्स हो रखे हैं तो ये उनकी शैडो है। सारा एरिया वाइट रहेगा बट जो पीछे बैकग्राउंड में जो फैब्रिक के फोल्ड्स हैं यही आपके शेडेड रहेंगे। तो यहाँ पे आप स्मॉल स्ट्रोक्स लगाएंगे। कुछ लाइंस डाल देते हैं फोल्ड की फैब्रिक की जो टेबल पे भी है और इन्हें शेड कर देते हैं वन साइड। एंड कुछ फोल्ड्स हैं यहाँ पे, इन्हें भी आप वन साइड डार्क करेंगे।
इन स्ट्रोक्स को हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं वन साइड से, बैक साइड से जो वॉल है इसको भी हम डार्क कर देंगे, थोड़ी डार्क शेडिंग देंगे हम। फिर अब कुछ लाइंस को हम बोल्ड कर देंगे, फिनिशिंग टच देंगे, फाइनल फिनिशिंग टच। जो हमारी आउटर लाइंस हैं इनको हम थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि आपके ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए। सारी लाइंस को कुछ बोल्ड कर देंगे एंड ब्राइट कर देंगे। Now my topic is complete.